लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में अनेक घोटाले होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। इन्हीं आरोपों के चलते गुरुवार को झज्जर में कांग्रेसी कार्यकर्ता लघु सचिवालय में एकत्रित हुए और हरियाणा की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। डीसी को ज्ञापन सौंपने गए इन कांग्रेसियों का नेतृत्व हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने किया। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जहां पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में लॉकडाउन के अंदर भी घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं। हालात यह है कि हरियाणा सरकार के मुखिया इन घोटालों की जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही कर रहे हैं। हरियाणा में शराब घोटाला, अवैध तरीके से रजिस्ट्रियों का घोटाला, चावल घोटाला, अरवाली भूमि घोटाला, खनन घोटाला, रोडवेज किलोमीटर योजना घोटाला, एचएससी भर्ती घोटाला, एससी छात्रवृत्ति योजना घोटाला, बिजली मीटर घोटाला सहित कई घोटाले शामिल हैं, जिन पर सरकार सही ढंग से जांच करने के बजाय पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब चुनाव नजदीक आ गया है तो सरकार को बड़ौदा का रास्ता भी पता चल गया है, जबकि इसके पहले सरकार का कोई भी मंत्री या स्वयं मुख्यमंत्री भी बड़ौदा की तरफ एक बार भी नहीं गए। उन्होंने बड़ौदा सीट का कांग्रेस की परंपरागत सीट बताया और कहा कि कांग्रेस यहां हर हाल में जीतेगी। इस मौके पर जेपी काद्यान, पूर्व पार्षद शिशुपाल मलिक, सुनील जाखड़, महिला जिलाध्यक्ष माया नेहरा भी मौजूद थी। आज जो है पूरे प्रदेश भर में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए गए हैं। तो हमने भी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने यहां पर आकर जिला झज्जर के उपायुक्त महोदय को ये ज्ञापन सौंपा है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान इस आड़ में सरकार ने जो घोटाले किए हैं, सरकार के अधिकारियों ने या जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने जो घोटाले किए हैं, हम उनकी जाँच चाहते हैं। खासतौर से जो शराब घोटाला, इतना बड़ा ये घोटाला हुआ, पहले एसआईटी गठन की बात जो है सरकार के द्वारा कही गई थी, उसके बाद एसईटी का गठन हुआ जिसको बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है। एसईटी का जो गठन हुआ उसके बाद उसकी भी रिपोर्ट आ गई, लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा उसकी रिपोर्ट आ गई है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं उसको मानता नहीं। तो इसका मतलब ये कि सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक तो हम ये मांग करते हैं जो भी रिपोर्ट आई है उसमें केवल ऐसा ना हो कि केवल अधिकारियों को दंडित किया जाए, जो भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के या जजपा के जो भी पॉलिटिशियन हैं, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा जो है रजिस्ट्रियों का घोटाला, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फॉलो पूरी तरह से नहीं किए गए, डीटीपी से कोई एनओसी नहीं ली गई और इसमें भी बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ है, उसकी भी हम निष्पक्ष जाँच चाहते हैं। चावल और धान की खरीद और उसके बेचने में बहुत ज़्यादा घपले घोटाले हुए हैं, उसकी भी जाँच। और इससे पहले बात तो हम शिक्षा नीति की करते हैं, शिक्षा की करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो पोस्ट मैट्रिक घोटाला हुआ, कैग की रिपोर्ट में आया है कि जो बच्चों को उनकी पोस्ट मैट्रिक का हक मिलना चाहिए था उसमें भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो हम उसकी भी मांग करते हैं। खनन घोटाला हुआ है और भी इस तरह के कई घोटाले हैं जो प्रदेश में हो रहे हैं। आज प्रदेश की जनता जो है पूरी तरह से जूझ रही है इसमें, कोरोना जैसी महामारी में कोरोना का डर दिखा के इस तरह के जो है घोटाले जो किए जा रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच सरकार द्वारा होनी चाहिए। तो आज हमने कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने, विधायक कुलदीप मस्जिद ने और सभी साथियों ने मिलकर डीसी महोदय को ये ज्ञापन देने का काम किया। अब सुना, ये तो अच्छी बात है, बरस रहा है। अरे बरस तो रहा है जहाँ पे जरूरत है, उसके बाद ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसका भी ज्ञापन हम उपायुक्त महोदय को और ऊपर भी अधिकारियों को जो है मैं हम लोग इसमें भेजेंगे। मैं अपनी पिटीशन कमेटी में भी इस इशू को लगाऊंगी और मैंने कई इशू लगाए हैं जो लंबे समय से, मान लीजिए सब्जी मंडी में पानी भर रहा है, अनाज मंडी में भर रहा है, सालों हो गए यहाँ आसपास सारी जगह पानी भर रहा है। बरसेगा तो ड्रेनेज सिस्टम सही होगा तो ड्रेन आउट हो जाएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों में भी भरता है बारिश में, अच्छी बात है बारिश हुई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी तरह से इफेक्टिव होना चाहिए, टाइमली इसके टेंडर होने चाहिए। उस पर भी हम लोग पूरा संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त महोदय को और जो भी कंसर्न अधिकारी है उनको कागज भेजने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने, क्या बोलेंगे, हम हारेंगे ये चुनाव? जीतेगी तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक तौर पर ये सीट थी और इसमें हमारे आदरणीय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे भाई श्री कृष्ण हुड्डा जी के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई और हम लोग कल भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी विधायक साथी सोनीपत में इकट्ठे हुए थे और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी वहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के बाद केवल मात्र क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं इस वजह से बड़ौदा का रास्ता देखना शुरू किया है। तो 100% कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से बड़ौदा का उपचुनाव जीतने जा रही है।